बढ़ता महानगर हैदराबाद लघु भारत है। सीएम केसीआर ने कहा है कि हैदराबाद का दिन पर दिन विकास हो रहा है और इसी महानगर में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एचएमडीए के तहत सीवरेज मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है। सीएम केसीआर ने कहा है कि शहर में पेयजल की सतत आपूर्ति के लिए 2,214 करोड़ रुपए की लागत से टैंकवेल में टंकी का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। बढ़ता महानगर हैदराबाद लघु भारत है। सीएम केसीआर ने कहा है कि हैदराबाद का दिन पर दिन विकास हो रहा है और इसी महानगर में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एचएमडीए के तहत सीवरेज मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है। सीएम केसीआर ने कहा है कि शहर में पेयजल की सतत आपूर्ति के लिए 2,214 करोड़ रुपए की लागत से टैंकवेल में टंकी का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा है कि राज्य की उपलब्धि के लिए सभी क्षेत्रों में संघर्ष हुए, तेलंगाना नाम में सुनहरा है और लेकिन कुछ परिवार ही सुनहरे बने हैं। किशन रेड्डी ने तेलंगाना अवतार दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के तत्वाधान में गोलकुंडा किले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गोलकुंडा किले में समारोह में मुख्य अतिथि रेड्डी ने राज्य के सामने कर्ज के जाल, तेलंगाना के किसानों की समस्या और समाज के हर वर्ग की समस्या जैसे मुद्दों पर विस्तार से बात करी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने इस मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बात नहीं करी होती तो लोग मुझे माफ नहीं करते। और यह स्पष्ट करते हुए कि केंद्र कई मामलों पर राज्य सरकार के साथ आंख नहीं मिलाता है, किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा, आज तेलंगाना गुलाम हो गया और एक परिवार भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। लोगों को राज्य के लिए शहीदों द्वारा किए गए बलिदानों पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या तेलंगाना उस तरह जा रहा है जिसकी उम्मीद थी, उसने कहा। इसके बाद उन्होंने सवाल किया, जवाब देते हुए कहा कि आज तेलंगाना एक विश्वासघाती राज्य है। भाजपा के शासन में राज्य में सुशासन का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार के शासन ने बहुत धोखा दिया है और राज्य माफियाओं से भरा है। भू माफिया, धनी माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, जॉब माफिया है, टीएसपीएससी पेपर लीक माफिया, दलित बंधु माफिया, भेड़ माफिया, टूबीएचके माफिया और भी कुछ, बहुत कुछ। इन सबसे ऊपर राज्य कर्ज में डूबा हुआ है। सभी डाल दे तो चाहे वह सरकार द्वारा लिया गया ऋण हो या फिर विभिन्न राज्य निगमों और संस्थाओं, तेलंगाना ने करीब 8 लाख करोड़ रुपए कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। आय बेमुश्किल कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त होगी। सरकार ने बैंकों से कितना पैसा उधार लिया था यह सूचीबद्ध करते हुए रेड्डी ने कहा कि मैं ऋणों की सूची के साथ और आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं इसे किसी अन्य अवसर पर छोड़ दूंगा। आज सरकार ने किसी से भी ऋण लिया है जो इसे देगा, एक पैसे का क्या किया गया है? क्या यह कल्याण या विकास के लिए इस्तेमाल किया गया था? इसे लूट लिया गया, भ्रष्टाचार के लिए धन्यवाद। राज्य के गठन से पहले हैदराबाद किस तरह से विकास के रास्ते पर था और इस पर बात करते हुए बीआरएस सरकार द्वारा इसका श्रेय लेने के किसी भी दाव में कोई दम नहीं है। रेड्डी ने कहा कि शरयू कृष्णा और गोदावरी नदी का पानी मिल रहा है या पीवीएनआर फ्लाईओवर या मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत में सबसे पहले। उन्होंने आगे कहा, मोदी सरकार की नीतियों के कारण सभी राज्यों में निवेश आ रहे हैं, कई राज्यों में विदेशी निवेश आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह हैरान करने वाला है कि काम पर नहीं जाने वाले मुख्यमंत्री के लिए नया सचिवालय बनाया गया है। उन्होंने कहा, जब निर्वाचित नेता प्रवेश नहीं कर सकते तो नया सचिवालय किस उद्देश्य से पूरा होता है? आम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, धर्म आधारित आरक्षण आदिवासी आरक्षण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अलग राज्य के आंदोलन को धोखा देने वाले को पुरस्कृत किया गया है। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि तेलंगाना आंदोलन पानी फंड और नियुक्तियों के लिए किया गया था, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं अब तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने राजभवन में आयोजित राज्य गठन समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का मतलब सिर्फ हैदराबाद का विकास देखना नहीं है, बल्कि असली विकास तभी महसूस होगा जब दूरदराज के गाँव का भी विकास होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जय तेलंगाना नारा नहीं, स्वाभिमान का नारा है। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि तेलंगाना आंदोलन पानी फंड और नियुक्तियों के लिए किया गया था, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं अब तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने राजभवन में आयोजित राज्य गठन समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का मतलब सिर्फ हैदराबाद का विकास देखना नहीं है, बल्कि असली विकास तभी महसूस होगा जब दूरदराज के गाँव का भी विकास होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जय तेलंगाना नारा नहीं, स्वाभिमान का नारा है।
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी ने कहा कि सोनिया गांधी ने युवाओं की कुर्बानी देखकर तेलंगाना दिया है। उन्होंने गंद पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी और राज्य के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। मीरा कुमार ने कहा कि कांग्रेस की वजह से तेलंगाना का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि तेलंगाना कई बलिदानों के परिणाम स्वरूप आया है, लेकिन फिलहाल राज्य में रईसों का राज कायम रहेगा, सरकार को बदलना होगा। To every single individual, man and women, children and senior citizens, to everyone, to all caste, all religion, to everyone, I wish happiness and I wish equality, especially those who are left behind, who are suppressed and depressed, to Dalits, to minorities, to women, to OBC, all those who are poor. I extend my good wishes for their prosperity and for them to rise and go ahead. Telangana is a great state and you will all the time win. This is what I want to say. There is a lot of sacrifice that our people have made. I pray to them and I. महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता राव ने इस बात की आलोचना करी है कि शराब कारोबार को बढ़ावा देकर तेलंगाना समाज को अस्थिर करने वाले सीएम के सिया विकास का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष रूप में आने में मीरा कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने याद दिलाया कि मीरा कुमार ने कहा था कि वह तेलंगाना में सीएम के सीआर के शासन से पीड़ित है, जहां उन्होंने सोचा था कि तेलंगाना के लोग खुश होंगे। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता राव ने इस बात की आलोचना करी है कि शराब कारोबार को बढ़ावा देकर तेलंगाना समाज को अस्थिर करने वाले सीएम के सिया विकास का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष रूप में आने में मीरा कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने याद दिलाया कि मीरा कुमार ने कहा था कि वह तेलंगाना में सीएम के सीआर के शासन से पीड़ित है, जहां उन्होंने सोचा था कि तेलंगाना के लोग खुश होंगे। तेलंगाना राज्य चरम दशक समारोह के हिस्से के रूप में अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी एजला सुधाकर रेड्डी के नेतृत्व में अंबरपेट बीआरएस का भव्य आयोजन किया गया है। अभियान वाहन के लिए महाकाली मंदिर में विशेष पूजा करी गई और अंबरपेट में नंबर चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तेलंगाना राज्य चरम दशक समारोह के हिस्से के रूप में अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी एजला सुधाकर रेड्डी के नेतृत्व में अंबरपेट बीआरएस का भव्य आयोजन किया गया है। अभियान वाहन के लिए महाकाली मंदिर में विशेष पूजा करी गई और अंबरपेट में नंबर चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र यूथ कांग्रेस NSUI ने बनंगपेट में तेलंगाना स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया और इसी मौके पर मेयर परिजात नजमा रेड्डी ने अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी और उसी के बाद सोनिया गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया है। माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र यूथ कांग्रेस NSUI ने बनंगपेट में तेलंगाना स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया और इसी मौके पर मेयर परिजात नजमा रेड्डी ने अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी और उसी के बाद सोनिया गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया है। तेलंगाना की जनता की लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा करने वाली सोनिया गांधी को बेरोजगारी मोर्चा के अध्यक्ष अंगानी दियाकर ने कांग्रेस युवा नेता के नेतृत्व में OU में सरकार की आलोचना करी और दियाकर ने कहा कि तेलंगाना आए छात्रों बेरोजगारों का जीवन नहीं बदला है और वे शताब्दी समारोह के नाम पर शिग्रांत का भला कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत करी है कि KCR ने तेलंगाना के छात्रों बेरोजगारों और कार्यकर्ताओं पर अपेक्षा की है। आरोप है कि उसने सरकारी जमीनों को कर्ज के रूप में बेचकर लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं। उन्होंने बेरोजगारी की आंखों में धूल झोंकने के लिए KCR की आलोचना करी है कि जिन्होंने सोचा था कि अगर तेलंगाना आएगा तो उन्हें रोजगार मिलेगा। तेलंगाना राज्य जयंती समारोह के अवसर पर हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट के प्रांगण में तेलंगाना GC के तत्वावधान में ध्वज वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तेलंगाना दशाब्दी सालुकु बार एसोसिएशन तेलंगाना GC ने हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट के परिसर में झंडा अभिवादन कार्यक्रम आयोजित किया और इस अवसर पर उन्होंने राज्य के अभ्यास में वकीलों की भूमिका को याद किया है। गोशामैल विधानसभा क्षेत्र में तेलंगाना राज्य अवतार दिवस दशक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। गोशामैल बियारस पार्टी
कार्यालय में क्षेत्र प्रभारी नंदू बिलाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और जश्न मनाया गया है। नंदू बिलाल ने कहा है कि तेलंगाना देश में विकास में नंबर वन बन रहा है। सीएम केसीआर के आदेश के मुताबिक गुजर महल में 22 दिनों तक भव्य रूप से दशकोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि देश के लोग तेलंगाना राज्य द्वारा लागू की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को चाहते हैं। नंदू बिलाल ने प्रशंसा करी है कि केसीआर एकमात्र ऐसे सीएम है जो तेलंगाना के लोगों के लिए अच्छा पानी, 24 घंटे बिजली, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहे हैं। रोजामल विधानसभा क्षेत्र में हर डिवीजन, हर बस्ती में हमारे बीआरएस पार्टी के वर्कर्स झंडा चढ़ाकर बड़ा ही उत्सव से जश्न मना रहे हैं। मैं सभी तेलंगाना वासियों को बधाई देता हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस नए राज्य का गठन किया, आज वो नजर आ रहा है। पूरे स्टेट में जो उन्नति हो रही है, जो डेवलपमेंट है, वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं है। एक बार फिर अलग राज्य का दर्जा हासिल करने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए तेलंगाना की धरती पर 1969 के सशस्त्र किसान संघर्ष से लेकर दूसरी बीर तेलंगाना आंदोलन तक हम अनवरत लड़े हैं। बहरहाल अलग राज्य में भी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आंदोलन की भावना से संघर्ष आज भी जारी है। राज्य के शासक सभी लोगों को विकास का फल प्रदान करने के लिए आंदोलन की भावना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस समय 10 वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि 10 साल में तेलंगाना में आंदोलन की आकांक्षा कहां तक पूरी हुई है। हमने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, लेकिन जिस आंदोलन को हमने अपनी आंखों से देखा वह एक विशेष तेलंगाना राज्य आंदोलन था। 1969 के बाद से हमने अलग अलग चरणों में राज्य का दर्जा मिलने तक आंदोलन जारी रखा और अनेक क्रांतिकारी वीरों, 1200 लोगों के बलिदान से हमने स्वराष्ट्र प्राप्त किया है। अंत में कार्यकर्ताओं का सपना 2 जून 2014 को साकार हुआ और हम पृथक राज्य प्राप्त कर 17वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और उसी के संकेत के रूप में राज्य सरकार ने दशक समारोह की शुरुआत करी है। इस दशक के जश्न से पहले कार्यकर्ता और शिक्षाविद सीधे राष्ट्रपति से सवाल करेंगे, क्या इन 10 सालों में आंदोलन की आकांक्षाएं पूरी हुई है, क्या सरकार ने अपने वादे पूरे करे हैं। विशेष तेलंगाना आंदोलन की पानी फंड और नियुक्तियों की आकांक्षाओं को काली सूची में डाला जा रहा है। राज्य एक स्थायी जेल बन गया है। यदि प्रतिबंध और हड़तालें हैं तो अवैध मामले दर्ज किए जाएंगे। तेलंगाना में जिसने आंदोलन को दिए गए नाम का दावा किया, संघर्ष करने, कई बंदिशें झेलने और कई बार जेल जाने के बाद इसी जमीन पर तेलंगाना का उदय हुआ है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए तेलंगाना संघर्ष को ठेकेदारों और कॉरपोरेट शक्तियों के बंधक बनाने के लिए तेलंगाना सरकार की आलोचना करी गई है और इतने जख्म झेल चुके तेलंगाना में सरकार ने किस दिन के जश्न की शुरुआत करी है। इसी मौके पर तेलंगाना के समय को इस बात की फिर से जांच करने की जरूरत है कि आंदोलन की मुख्य आकांक्षाओं पर किस हद तक अमल किया गया है। तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत जलकोश भर्ती के साथ शुरू हुई और उसी के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के इन 10 सालों में हमने कितना पानी स्वराष्ट्र में हासिल किया है, इसकी जांच करने की जरूरत है। तेलंगाना राज्य सरकार ने 2014 में अपने गठन के शुरुआती दिनों में मिशन भागीरथ योजना शुरू करी थी। यह स्पष्ट किया गया है कि हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा और नलगोंडा फ्लोराइड की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके मुताबिक राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ योजना के लिए 44,791 करोड़ रुपए आवंटित करे हैं। तेलंगाना ने राज्य के सभी गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हाथ में लिया है। गोदावरी नदी का 53.68 TMC पानी और कृष्णा नदी का 32.43 TMC पानी इकट्ठा किया गया है और राज्य के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने की योजना तैयार की गई है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि वे पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हकीकत देखें तो मिशन भागीरथ का पानी हम तक नहीं पहुंचा है। कुछ इलाकों में ही पाइपलाइन छोड़ दी गई है, जहां कुछ क्षेत्रों में नए टैंक बनाए गए हैं। वही मिशन भागीरथ का पानी गांव में उन्हीं पानी की टंकियों से पहुंचाया जा रहा है जो पहले ही गांव में थी। यहां तक कि दूरदराज के आदिवासी और बंजारा क्षेत्र में अभी भी पीने के पानी की कमी है। कृष्णा नदी बेसिन में राज्य के नलगोंडा, महबूबनगर और रंगारेड्डी जिले सूखे से प्रभावित है और
लाखों लोग प्लान कर चुके हैं, उन कष्टों को समाप्त करने के लिए हमें नदी जिलों में अपना हिस्सा हासिल करना होगा। लेकिन राज्य बनने से लेकर आज तक अलग अलग राज्य सरकार ने डीपीआर बदलने के अलावा एक भी अतिरिक्त टीएमसी हासिल नहीं करी है। जिस तरह हमारे पानी को आंध्र के लोगों ने अवैध रूप से वापस डाइवर्ट किया था, उसी तरह आज भी इन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन हमारे शासक मौन है। इसी के अलावा परियोजनाओं को फिर से डिजाइन करने के नाम पर धन की हेराफेरी की जा रही है और राज्य को कर्ज के ढेर में तब्दील किया जा रहा है। जो पानी हमारे हिस्से का होना चाहिए उसे हमसे दूर किया जा रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पानी के दोहन और दक्षिण तेलंगाना के प्रति लापरवाही दिखाने की शिकायत मुख्यमंत्री तक नहीं कर रहे हैं। दशकों से लंबित SLVC, डिंडी, भीमा, नटमपांडू, पलामूरू और रगर रेड्डी लिफ्ट योजनाओं के लिए निधि आवंटन अल्प मात्रा में किया जा रहा है। आवंटन के बावजूद राशि जारी नहीं की जाती है। वर्तमान स्थिति में इस बात का कोई खतरा नहीं है कि पोथुरेड्डी पाड़ू और रलसीमा अपवेलिंग योजनाओं के माध्यम से श्रीशैलम जलाशय से पानी की अवैध आवाजाही पर रोक नहीं लगाई गई तो तेलंगाना परियोजना का निर्माण स्थायी रूप से रुक जाएगा। और इसी के अलावा आंध्र प्रदेश सरकार अवैध परियोजनाओं को नियमित करने के लिए काम कर रही है, लेकिन एक स्थिति यह भी है कि हमारे शासक उचित परियोजनाओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए तेलंगाना सरकार को कृष्णा नदी के तहत प्रस्तापित सभी परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा करना चाहिए। साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे अवैध प्रोजेक्ट को रोका जाना चाहिए। अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो दूसरी चीज है कि रोजगार। हमारे सपने सच हो गए। हमारे आत्म बलिदान के साथ भी कई छात्रों ने खुद को आग में झोंक दिया है कि तेलंगाना एक हकीकत बन जाएगा। राज्य सरकार उद्योगों के नियमों में संशोधन करती रहती है। मंत्रियों ने कहा कि 1 लाख से अधिक नौकरियां पहले ही दी जा चुकी हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति अलग है। अगर उनके बच्चे उनकी मेहनत की वजह से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके माता पिता को नौकरी देने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। राज्य गठन की शुरुआत में विधानसभा में दी गई 1,07,000 नौकरियों की गारंटी लिखित में बदल गई है। स्वरोजगार राज्य में जहां सरकारी नौकरी नहीं दी जाती और निजी नौकरी नहीं मिलती, वहां बेरोजगार आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सत्ताधारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। छात्र विस ओयू केयू विस 9 साल हो जाने के बावजूद अभी तक नौकरियों का कैलेंडर घोषित नहीं किया गया है। राज्य की कई कंपनियों ने क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दिया। विभिन्न जिलों और हैदराबाद में कई कंपनियां हैं, लेकिन वे स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देती है। राज्य सरकार बेरोजगारों को नौकरी देने की कोई मंशा नहीं दिखाती है। वे उन लोगों के लिए निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण कर रही है जो नौकरी भरने की परवाह किए बिना और सरकारी शिक्षा प्रणाली को कमजोर करने के उद्देश्य से शिक्षा व्यवसाय कर रहे हैं। हाल ही में TSPSC पेपर लीक ने बेरोजगारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तेलंगाना में नौकरियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिसने लड़ाई जीत ली है कहा जा सकता है कि यह निंदनीय स्थिति है कि दलाल जो ऐसी नौकरियों की भर्ती करते हैं, ऐसा लगता है कि IT मंत्री केटिया द्वारा लाई गई औद्योगिकी कंपनियों में भी तेलंगाना के बच्चों के अवसर नहीं मिल रहा है। अस्वाधीन स्वराष्ट्रों में भी किसान की स्थिति शुभ हो गई है। तेलंगाना के आगमन से पहले खेती के लिए पानी की कमी, कर्ज की समस्या और खेती की फसलों के लिए लाभकारी मूल्य के कारण किसान आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन तेलंगाना में भी जो आज हासिल किया गया वह स्थिति है। इन 9 सालों के दौरान 6,473 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 2018 में रायतु बंधु योजना लागू होने से पहले जहां 4,244 किसानों ने आत्महत्या की थी, वह योजना लागू होने के बाद 2,230 लोगों ने आत्महत्या की थी। पिछले साल कितने किसानों ने जान दी इसका ब्यूरो अभी उपलब्ध नहीं है। किसान लगातार चिंता जता रहे हैं कि जमीन हड़पी जा रही है, धरनी में गलतियां हो रही है, 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, धान नहीं खरीद सकते। किसान यह कहकर धरने पर जा रहे हैं कि सरकार जिस 24 घंटे बिजली की शेखी बगाड़ रही है वह 10 घंटे भी नहीं दी जा सकती, लेकिन 3 फीस का करंट आधी रात में दिया जा रहा है। आलोचनाएं हो रही है कि सरकार न केवल एक किसान बंधु देकर बाकी सभी योजनाओं पर रोक लगा दी है। सरकार बाढ़ की स्थिति में फसल नुकसान का अनुमान नहीं लगा रही है। कर्ज माफी पूरी तरह से लागू नहीं हुई। प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था संकट में है। राज्य के मुख्यमंत्री को जब कोई विचार आता है तो वह क्या निर्णय लेता है, किसके लिए लेता है, कितने लाख करोड़ उधार लेता है, इस पास कोई नियोजित विचार नहीं है। कुल मिलाकर राज्य की अर्थव्यवस्था एक व्यक्ति के हाथों में फंसी हुई है। असमृद्ध तेलंगाना लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के साथ दिवालिया हो गया है।
तेलंगाना मेघा कृष्णा रेड्डी और माई होम राजेश्वर राव के हाथों बंदी हो गया है। सारा धन उनके महलों में जा रहा है। जनप्रतिनिधि खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे मंत्री 10% कमीशन देते हैं। सैकड़ों छात्रों ने पृथक तेलंगाना के लिए अपना बलिदान दिया है। छात्रों के बलिदान का मूल्य क्या है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में पूरे तेलंगाना समाज की को सोचने की जरूरत है। हम यह दशक इसके लिए और क्यों मना रहे हैं, एक बार आत्ममंथन करने की जरूरत है। तेलंगाना राज्य के जन्म के अवसर पर मेडचल विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी ने कचरा गुट्टा श्री रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर के प्रांगण में महाचंड यज्ञ का आयोजन किया है। तेलंगाना राज्य के गठन के सपने को साकार करने वाली सोनिया गांधी का धन्यवाद करते हुए वर्धन रेड्डी ने कहा कि यह महाचंडी यज्ञ संकल्प के साथ आज किया गया था कि गरीब लोगों का खून पीने वाली मोदी और केसीआर का जनविरोधी सरकारें चले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी केंद्र राज्य में सत्ता में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों की आकांक्षा और जिस तरह से कई लोगों ने कुर्बानी दी है उसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने केसीआर के आंदोलन या केसीआर के परिवार की वजह से तेलंगाना राज्य नहीं दिया है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि पानी फंड और नियुक्तियों के लिए बना तेलंगाना राज्य अब परिवारवाद से साथ पिछड़ा हुआ है। बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष रामी रेड्डी के नेतृत्व में माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र बांडुंग पट्टी नगर निगम बांडुंग पट्टी बीआरएस पार्टी कार्यालय के सामने पार्टी अध्यक्ष रामी रेड्डी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ तिरंगा झंडा फहराया और उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। समीर रामी रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना को देश में एक आदर्श राज्य बनाने का श्रेय मुख्यमंत्री केसीआर को जाता है जिसे आंदोलनों से हासिल किया गया। केसीआर सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी दी है और इसी शैक्षणिक वर्ष 2023 से 2024 से कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त में नोटबुक बांटी जाएगी और ये घोषणा करी है कि कुल 6 से 14 मुफ्त नोटबुक प्रदान की जाएंगी। बताया जा रहा है कि सरकारी और स्थानीय निकाय स्कूलों, मॉडल स्कूलों, गुरुकुल शिक्षण संस्थानों, शहरी आवासीय विद्यालयों और केजीबीवी में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मुफ्त नोटबुक दी जाएगी। राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2023 से 2024 के लिए 56.24 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1788699 नोटबुक खरीदने की प्रक्रिया शुरू करी है। सरकार ने छठी और सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को 200 पृष्ठों वाली 6 नोटबुक देने का फैसला किया है जबकि आठवीं कक्षा के प्रत्येक छात्र को 7 नोटबुक प्रदान की जाएगी और इसी प्रकार नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों को 14 नोटबुक और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में नियमित और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के इंटरमीडिएट के छात्रों को क्रमशः 12 और 10 नोटबुक मिलेगी। कुल 12,39,415 छात्र सरकार की पहल से लाभान्वित होंगे जो पहले से ही सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान कर रही हैं। कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों के लिए सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए 34,070 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 33,82,371 मुफ्त नोटबुक प्रदान करने का निर्णय लिया है। कक्षा 1 से 5 के प्रत्येक छात्र को 3 नोटबुक मिलेगी जिससे 11,27,457 छात्र लाभान्वित होंगे। विभाग के अधिकारियों के अनुसार नोटबुक और वर्कबुक की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शीघ्र ही वितरण शुरू हो जाएगा। सरकार की इस पहल से गरीब विद्यार्थियों को लाभ होगा और वे नोटबुक खरीदने के खर्चे से बच जाएंगे। देखा जाए तो सरकार समय समय पर ऐसी कई योजना लागू करती रहती है कि जिससे गरीबों का लाभ हो और वे अपने बच्चों की पढ़ाई खर्चे के डर से न छुड़वा दें। पढ़ाई पर हर बच्चे का अधिकार है और सरकार चाहती है कि यह अधिकार किसी भी वजह से उनसे न छीना जाए।
शहर के एलबी नगर में हादसा हो गया। कार चालक की लापरवाही से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। एलबी नगर में कार चालक ने फुटपाथ पर कार रोक दी और इसके अलावा उसने बिना पीछे देखे लापरवाही से कार का दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसी दौरान यह हादसा उस वक्त हुआ जब दंपति पीछे से अपने बच्चे को लेकर बाइक से आ रहे थे। ड्राइवर ने अचानक कार का दरवाजा खोला और पीछे से आ रही बाइक को टक्कर मार दी और दंपति और बच्चा गिर पड़े। नतीजतन सड़क पर पत्थर बच्चे को जोर से लगा। बस रिपेट। धनलक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी मां शशि रेखा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना तब हुई जब वे मसूराबाद में एलबी नगर आ रहे थे, लेकिन हादसे के तुरंत बाद कार का चालक फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बच्ची की मौत से परिवार में मातम छा गया। हैदराबाद में कुकटपल्ली वाई जंक्शन के पास एक निजी बस में आग लग गई। बालानगर के कुकटपल्ली वाई जंक्शन की ओर से जा रहे एक ऑरेंज ट्रैवल बस में एक बार आग लग गई और तेज आवाज के साथ बस के इंजन में आग लगने के बाद सतर्क बस चालक ने यात्रियों को उतार दिया तो बड़ा हादसा टल गया। कुकटपल्ली वाई जंक्शन के पास पेट्रोल पंप पर हुई इस हादसे में बस पूरी तरह से जल गई और अचानक आग लग गई और आसपास के वाहन चालकों ने अपने वाहनों को रोक लिया और दहशत में भाग गए। हादसे के कारण बालनगर की ओर से आने वाले वाहन ठप हो गए, इससे भीषण जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर ही पहुंचकर आग पर काबू पाया है।